हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारा नाम ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्टों के साथ। की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो A3s के फिंगरप्रिंट लॉक के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग ओप्पो का A3s फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप लोग के फ़ोन में सिर्फ यहाँ पे फेस लॉक देखने को मिलता है एंड फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। उसमें से हमें बहुत से लोगों की कमेंट्स आई थी कि भाई इसमें भी फिंगरप्रिंट लॉक होता है क्या। तो गाइस हम आप लोगों को बता दें, इसमें भी आप लोग फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल कर सकते हैं। और इनेबल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा। तो गाइस उससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले आप लोग को इस फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल करने के लिए एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड गाइस आप लोग को मैं बता दूँ, जो मैं एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ वो कोई ऐसी वैसी एप्लीकेशन नहीं है, एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है। आप लोग को प्ले स्टोर पर ऐसी ढग भर एप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि आप लोग को दावा करती है कि आप लोग जो है हमारा फिंगरप्रिंट लॉक यूज़ कर लीजिए, इसमें आप लोग को अच्छी सिक्योरिटी मिल जाएगी। बट गाइस होता क्या है ना, मैंने बहुत से एप्लीकेशन को ट्राई किया बट यहाँ पे मुझे किसी का भी अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा एकदम जेन्युइन तरीका जिससे आप लोग फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल कर सकते हैं अपने ओप्पो A3s में। ओके फ्रेंड, तो किस टाइप से आप लोग इनेबल करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को जो है एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ऊपर में जो दिखता है RT सपोर्ट www.falak.xyz, यहाँ पे जो दिखता है आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ उस पर, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप लोग का वेबसाइट ओपन हो जाता है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप लोग को इंटर जो कीवर्ड का ऑप्शन दिखता है यहाँ पर जो दिखता है इंटर कीवर्ड, इस पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है फिंगरप्रिंट। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे स्पेलिंग सही डालिएगा आप लोग, फिंगरप्रिंट आप लोग को सर्च कर लेना है। फिंगरप्रिंट सर्च करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोग के फ़ोन में एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आप लोग को दिखने को मिल जाएगा ओप्पो डिवाइस फिंगरप्रिंट लॉक। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते फोटो पे। फोटो पे क्लिक करने के बाद आप लोग को जो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल ओपन हो चुका है। यहाँ पे सारी प्रोसेस आप लोग को बताई जाती है जो कि मैं आप लोग को अभी बताऊँगा। तो गाइस यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक एप्लीकेशन आ जाती है, आप लोग इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, इस टाइप से आप लोग यहाँ पे इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अब क्या करना है आप लोग को मैं बता देता हूँ। अब आप लोग को जो है एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, जो कि एप्लीकेशन ओपन करने के बाद क्या क्या स्टेप फॉलो करना है सबसे पहले ये भी आप लोग जान लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहेगा, इसमें अपना फ़ोन का डाटा ऑफ कर देता, ये एप्लीकेशन बिना डाटा के भी वर्क करती है। तो यहाँ पे आप लोग के फ़ोन में चार ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं, सबसे पहले हमें इनेबल लॉक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे कर देते हैं इनेबल, उससे पहले आप लोग सेट पासवर्ड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सेट पासवर्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम सिंपल सा अपना पासकोड डाल देते हैं, जो कि मैं आप लोग को बताने के लिए सिर्फ यहाँ पे पासकोड डाल देता हूँ। इस टाइप से मैंने पासकोड डाल दिया है और यहाँ पे पासवर्ड भी हमारा इनेबल हो चुका है। कुछ ऐड आप लोग को शो होंगे बट आप लोग उन्हें कट कर दीजिएगा। एंड पासकोड वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं और वॉलपेपर वगैरह भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। एंड गाइस आप लोग फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में अटैच करके रख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा फिंगरप्रिंट लॉक किस टाइप से वर्क करता है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे मैं फ़ोन को करता हूँ ऑफ। तो कैसे यहाँ पे आप लोग का फिंगरप्रिंट लॉक आ चुका है और जैसे मैं अपना गलत फिंगर डालता हूँ तो इस टाइप से आप लोग को फेल आ जाता है ऑप्शन, और जैसे मैं अपना सही डालता हूँ और 2 से 3 सेकंड यहाँ पे लगता है आप लोग का ओपन होने के लिए, और यहाँ पे आप लोग का फिंगरप्रिंट लॉक जो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करने लगता है। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो आप लोग का इसमें बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। तो आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो वीडियो तो कमेंट करना बोले हम उस वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखें। जय माता दी।